नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी डिजिटल पाठशाला में। साथियों, पूर्व में हमने पाली और प्राकृत भाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज का वीडियो अपभ्रंश भाषा से संबंधित है, तो चलिए आज इसके बारे में हम विधिवत अध्ययन करते हैं। तो विधिवत अध्ययन करने से पहले हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है इस टॉपिक से कि अपभ्रंश भाषा है क्या, फिर अपभ्रंश भाषा का नामकरण किसने किया, अपभ्रंश भाषा का प्रामाणिक प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, अपभ्रंश भाषा के भेद, अपभ्रंश भाषा का क्षेत्रीय रूप एवं भाषाएं, अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं एवं अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार एवं उनके द्वारा रची गई रचनाएं, ये कौन कौन सी हैं, इनके बारे में है हम आज बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट से शुरू करते हैं, अपभ्रंश भाषा है क्या। तो चलो समझते हैं अपभ्रंश भाषा क्या है या इसे किसे कहते हैं। तो अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। लौकिक प्राकृत से विकसित होने वाली भाषा ही अपभ्रंश कहलाती है। अगर अपभ्रंश का संधि विच्छेद करें तो आप देखेंगे अप प्लस भ्रंश प्लस घ, इस शब्द का अर्थ होता है पतन। इसके अलावा इसे भ्रष्ट, च्युत, स्खलित, विकृत व अशुद्ध भी माना जाता है। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अपभ्रंश भाषा का नामकरण। तो अपभ्रंश भाषा को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिया है। जैसे बात करें भरत मुनि की, तो इन्होंने इसे देश भाषा कहा है। पतंजलि जी ने इसे अपशब्द कहा है। अभिनव गुप्त जी ने इसे प्राकृत ही माना है। आचार्य हेमचंद्र व वाग्भट्ट ने इसे ग्राम भाषा माना है। आचार्य दंडी ने अभिराध की भाषा बोली है। हरदेव बाहरी जी ने इसे पश्चिमी प्राकृत तथा किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसे नाना की भाषा कहा है। तो चलिए नामकरण के बाद अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपभ्रंश भाषा का प्रामाणिक प्रयोग। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याड ने किया, परंतु अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग हमें पतंजलि के महाभाष्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। कुछ अपवाद भी हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग 6वीं सदी के चंड के प्राकृत लक्षण रचना में हुआ, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में हमें मिलता है। तो इस प्रकार से अपभ्रंश भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के बारे में हमने समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अपभ्रंश भाषा के भेद। इस विषय में भी काफ़ी मतभेद है। अपभ्रंश में रचित साहित्य की उपलब्धता बहुत ही कम है, इसलिए इनके भेदों के विषय में भी मतभेद है। इस मतभेद का कारण यह भी है कि कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश भाषा मानते हैं और कुछ इसे भाषिक अवस्था। जैसे पहला पॉइंट देखें, अपभ्रंश को भाषा मानते हुए मार्कंडेय जी ने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में 3 भेद माने हैं, जैसे नागर, उपनागर, ब्राचड। लेकिन वहीं डॉक्टर तगारे के अनुसार इन्होंने पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश और दक्षिणी अपभ्रंश माना है। तो इस प्रकार से अपभ्रंश के भेद के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अपभ्रंश को भाषिक अवस्था मानते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इन्होंने इसके 5 भेद माने हैं। इन्होंने हर प्राकृत का एक अपभ्रंश भेद माना है, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश तथा अर्धमागधी अपभ्रंश। कुल मिलाकर अपभ्रंश के भेदों के विषय में पर्याप्त विवाद है और यह विवाद अभी भी चलता हुआ आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि हो सकता है इस विवाद को कोई नया मोड़ मिले या नए हमें भेद देखने को मिले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप एवं भाषाएं। चलिए इस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी अच्छे से अध्ययन करते हैं और समझते हैं। तो अपभ्रंश के विभिन्न प्रकार हैं और उनसे निकलने वाली जो भाषाएं हैं उनके बारे में हम समझते हैं।
पहला दिया गया है सौरसेनी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं निकली हैं। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया एवं खस अपभ्रंश से पहाड़ी। इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से समझिएगा और इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, अपभ्रंश भाषा की विशेषताएँ। अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं के बारे में भी हम विधिवत अध्ययन करते हैं, तो चलिए समझते हैं। अपभ्रंश भाषा जो है उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश में सभी ध्वनियाँ प्राकृत भाषा की ही विद्यमान है। अपभ्रंश में अगर स्वरों की बात करें तो आ, ई, उ, ए और आ ये ह्रस्व स्वर हैं और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए और ओ इन्हें दीर्घ स्वर माना गया है। तो कुल मिलाकर अपभ्रंश में 10 स्वर माने गए हैं। अपभ्रंश में रि ध्वनि सिर्फ लेखन में थी, उच्चारण में नहीं। इसके अलावा तालव्य शाह और मूर्धा शाह के स्थान पर दंती शाह का प्रयोग अपभ्रंश में देखने को मिलता है। इसके अलावा अपभ्रंश में वचन और लिंग दोनों की संख्या दो दो है, मतलब एक वचन और बहुवचन, और लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग नहीं है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इस भाषा में विभक्ति का स्थान पर सर्गो ने ले लिया है। तो इस प्रकार से अपभ्रंश की ये थी महत्वपूर्ण विशेषताएं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ या नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो महत्वपूर्ण रचनाकारों के बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है कवि स्वयंभू का। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है, से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इनकी रचनाएं देख लें तो पौमचर्यु एवं स्वयंभू छंद, इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं। सेकेंड नंबर पर जो रचनाकार आते हैं पुष्पदंत, इन्हें अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास एवं भवभूति इस नाम से भी जाना जाता है। इनकी भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे नय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु और हरवंश पुराण। इसके अलावा थर्ड नंबर पर धनपाल, जिनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचना है भविष्यत कहा, इसे पहला रोमांटिक महाकाव्य भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब्दुल रहमान जी की संदेश रासक, जिन दत्त सूर्य की उपदेश रसायन रास, राम सिंह जी की पाहुड़ दोहा, हरिभद्र सूर्य की नेमनाथ चर्यु और जैनाचार्य हेमचंद जी की कुमारपाल चरित, इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, आदि और भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अपभ्रंश भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हो सकते थे हमने उनके बारे में चर्चा की। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।